भोपाल में मरीज के परिजनों से बदसलूकी का मामला सामने आया। दरअसल मरीज के परिजन ने अस्पताल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बदसलूकी का आरोप भी लगाया और साथ ही कहा कि इलाज की जानकारी मांगने पर ये बदसलूकी हुई है। धर्मांतरण कराने के मामले में फंसाने की धमकी मिली है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शाहजहानाबाद थाना इलाके में ये अस्पताल मौजूद है। हरप्रीत कौर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। हरप्रीत, क्या है अपडेट इस विषय पर? देखिए, ये एक निजी हॉस्पिटल का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल परिजन अपने बीमार पिता को लेकर इस हॉस्पिटल में पहुंचे थे। ये एबीएम हॉस्पिटल है, शाहजहानाबाद इलाके में है। और जब परिजन यहाँ पर पहुंचे तो कुछ देर के लिए उनके पिता को एडमिट किया गया और उसके बाद अचानक उन्हें वहां से रेफर कर दिया गया। कहा गया आप किसी और हॉस्पिटल लेके जाइए। परिजन पिता को लेके बाहर निकले और कुछ दूरी पर जाने पर ही पिता की मौत हो गई। हताश परेशान परिजन जब पहुंचे और उन्होंने वजह पूछी कि अचानक आखिर आप लोगों ने ऑक्सीजन पर हमारा पेशेंट था, आप लोगों ने ले जाने की बात क्यों कही? तभी मौके पर मौजूद जो स्टाफ सिक्योरिटी स्टाफ वो परिजनों से अभद्रता करने लगा और मौके पर मौजूद जो वहां पर एक युक्ति थी जो हॉस्पिटल की ही बताई जा रही है, उसने वहां पर धमकी दी और सरेआम सुना जा सकता है कि किस कदर वो महिला जो है वो धमकी दे रही है कि तुम्हें जिंदा यही गाड़ दूंगी। और उसके बाद वो ये भी कहती नजर आ रही है कि जाओ जो करना है कर लो, मैं ये तुम्हारे पे मामला दर्ज करवा दूंगी कि तुमने मुझे धर्म परिवर्तन के लिए कहा, हिंदू युक्ति। जबकि ऐसा कोई वहां पर जो वीडियो है उसमें नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल परेशान हैरान जो परिजन है वो अपने मरीज को लेकर पहुंचे थे लेकिन इलाज नहीं मिला। मिला तो पिता की मौत वहां पर हो गई और जब वो पूछताछ करने गए, बातचीत करने गए कि आखिर क्यों यहां से उन्हें रेफर किया गया या बाहर क्यों किया गया, वजह बताई जाए, तो महिला स्टाफ इस धर्मांतरण का आरोप, झूठा आरोप लगाने की धमकी देकर परिजनों से ही भिड़ गया और उन्हें वहीं जिंदा गाड़ने की सरेआम धमकी देने लगा। फिलहाल परिजनों ने शाहजहानाबाद थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे।